हे गाइस, वेलकम बैक टू फिटनेस वर्ल्ड। आई एम आशुतोष देव राजपूत। सो गाइस, आज का टॉपिक है द राइट वे टू डू पुशअप्स। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप्स दोनों को मैं करके दिखाऊंगा अच्छे से और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और चार मेन मिस्टेक्स जो बंदे करते ही करते हैं जिम्स में या घर पे करें, और उसको भी अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, और लास्ट में वीडियो के एंड पे एक सरप्राइज आपके लिए जो मैं अनाउंस करूंगा। सो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो चार मिस्टेक बंदे करते हैं ना उसके ऊपर से बात करते हैं। पहले सबसे पहले जो पहला मिस्टेक है वो है बॉडी पोस्चर। देखो, बॉडी पोस्चर में सबसे पहले आपका लेग का पोजिशन आता है, जो लेग पोजिशन आपके शोल्डर लेंथ के अंदर रहेगा लेग, हाँ। और आपका वेस्ट जो कमर है उसको ना ऊपर उठा के रखना, ना नीचे। बहुत बंदे बोलते हैं ऊपर उठा के रखो, नहीं ऊपर उठा के रखना नहीं है, नॉर्मल पोजिशन में रखना है जैसा है, लेकिन वहाँ पे कोर अपना टाइट करके रखना है और वेस्ट को जहाँ पे अपना वेस्ट इंक्लाइन पोजीशन में आता है वहीं पे रखना, कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे नहीं। ओके, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, ये रहा, बस ऐसे 1 2 3 4 5। ओके, समझ गए बॉडी पोस्चर। तो गाइज, अभी सेकंड मिस्टेक पे आते हैं, वो है आपका हैंड प्लेसमेंट। बहुत बंदे बहुत मिस्टेक करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं, एक बित्ता दो बित्ता, ये करना नहीं है, ठीक है। आप देखो, आपका जितना भी शोल्डर है वाइड है उसको, उससे बस एक स्टेप वाइड आपको ग्रिप लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। और थर्ड मिस्टेक हो आपका रेंज ऑफ मोशन, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन लेना है, पूरा नीचे जाना है पूरा ऊपर रहना है, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन पे काम नहीं करना है। ओके, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन करना है। और आगे आपका फोर्थ मिस्टेक आपका शोल्डर पोजिशन। शोल्डर पोजिशन में क्या होता है ना, बहुत बंदे स्क्वीज कर रखते हैं, स्क्वीज करोगे तो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, पंप नहीं ला सकते अपने चेस्ट पे। ओके, तो शोल्डर को ओपन करके रखना है और यही चार मिस्टेक को करना नहीं है। अभी मैं अच्छे से फिर से आपको 10 पुशअप और अच्छे से करके दिखाता हूँ। देखो, नॉर्मल हैंड वाइड, ये रहा, लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओवर। समझ गए, इसी स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आराम से ग्रो कर सकते हो। बस एल्बो लॉक मत कर लेना रेंज ऑफ मोशन के चक्कर में, पूरा स्ट्रेट मत करना। ओके, सो गाइस, अब आ जाते हैं अपने इंक्लाइन पुशअप्स पे। अगर ऐसा कुछ टूल टाइप का आपके पास है, मेरे पास तो ये ज़रूरत नहीं कि यही हो आपके पास, कोई चेयर बेड कुछ भी हो, बस अपने नी लेवल का रेंज में होना चाहिए इतना, तो उस पे आपको अपना इंक्लाइन पुशअप्स परफॉर्म करना है। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले, दिखाने से पहले ये बोल देता हूँ, अब वही परफॉर्म करें जो 3 महीने या 6 महीने कर चुके हैं अपना नॉर्मल पुशअप्स, ठीक है, क्योंकि इससे आपका कोर में भी प्रेशर करता है। अगर उल्टा सीधा किए तो फिर कहीं मसल पुल ना हो जाए। ओके, तो ये आपको करना है। अब अच्छे से परफेक्टली करके दिखाता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत टेक्निक्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखो, ये मैंने रखा, ओके, अब सेम, अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अपने वेस्ट को थोड़ा सा उठा के रखना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अपना वेस्ट नीचे की जाएगा। तो ये रहा, 1 2, रेंज ऑफ मोशन आपको ज़्यादा मिलता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कोर को थोड़ा टाइट करके रखना। ओके, तो गाइस यही था पुशअप्स, नॉर्मली जो बेसिक नॉलेज होता है पुशअप्स का यही है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो परफॉर्म करो और ग्रो करो अपने बॉडी को, आपके साथ शेयर करना था इसलिए मैंने शेयर किया। ओके, सो गाइस, यही था आपका नॉर्मल पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप्स, इसको परफॉर्म करो और अपने बॉडी को ग्रो करवाओ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखो, देखो एल्बो को लॉक नहीं करना है पुशअप्स करते वक्त, अगर लॉक कर लोगे तो पेन होना स्टार्ट होगा, तो ध्यान पे रखना है। जैसे मैं परफॉर्म कर रहा था ऐसे परफॉर्म करना है, हल्का बेंड करके रखना है अपने एल्बो को, ठीक है ना। और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे इस वीडियो के नीचे लिख के बताओ आप दिन के कितने पुशअप्स करते हो, ठीक है, अपना नाम और दिन के कितने पुशअप्स पर, नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे लिख के बताओ। चलो, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आपको पक्का वेट कर रहे होगे वो सरप्राइज़ क्या है, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ का अनाउंसमेंट अभी कर देता हूँ, वो है हम होम वर्कआउट सीरीज़, जो अपना होम इवोल्यूशन सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ। इस पे मैं अगस्त 1 से नवंबर 30 तक पूरे 4 मंथ्स 120 डेज घर पे ही आपको पूरा बॉडी चेंज करके अपना भी करवाऊंगा और अपना भी करूंगा और आपका भी करवा दूंगा, गारंटी गाइस, फाड़ देंगे पूरा। ओके, आप देखो, और पूरा पर हर दिन वीडियो आने वाला है, आप उसको ध्यान में रखना। अगर आपको ये सीरीज़ में ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी, और स्टार्ट करते हैं वीडियो, ये अपना होम वर्कआउट सीरीज़, जो अपना होम इवोल्यूशन सीरीज़ मैंने प्रिपेयर किया, अभी पूरा दिमाग लगा के पूरा अच्छे से 4 मंथ्स करने वाले, मेरे लिए भी चैलेंजिंग रहेगा और आपके लिए भी, और अच्छे से करेंगे, फाड़ देंगे पूरा। ओके,
तो फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक के साथ। तब तक फिट रहें, हेल्दी रहें, अपना डाइट फॉलो करते रहें और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।